हाय एवरीवन, दिस इज विशाल मेहरा। हाय, दिस इज रितिका। वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको एक्चुअली में कितना मार्जिन रखना चाहिए अपने स्टोर को सक्सेसफुली रन करने के लिए। कुछ पॉइंट्स आपको डिटेल में बताएंगे जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, और कुछ सारे पॉइंट्स हम बारीकी से समझाएंगे। और आजकल जो भी वीडियो हम बना रहे हैं उसमें आपके लिए बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, तो सबसे पहले पेन पेपर हाथ में रख लीजिए हैंडी, नहीं तो बाद में आप फिर रिवाइंड कर करके पॉइंट को ढूंढेंगे। इग्नोर मत कीजिए, ये चीजें छोटी होती है पर बहुत बड़ा बेनिफिट देके जाती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं। तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने अपनी शॉप को 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया अपनी शॉप में, और आपने 1500 पीस की इन्वेंटरी परचेज की है। तो उस वैल्यू को, उस डिटेल को कहीं पे आप मेंटेन करके रखिए चलिए, ताकि मंथ एंड जब उसका होगा तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि इतने का माल हमने परचेज किया था और अब क्या सिचुएशन है। ओवरहेड की जानकारी आपको मैम देगी कि कैसे एक्चुअली में ओवरहेड हमें बनाने चाहिए। तो सबसे पहली चीज आपको कैलकुलेट करनी चाहिए अपने मार्जिन्स के लिए, वो की है आपके ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में सबसे क्रूशल रोल प्ले करते हैं कुछ हेड्स, जैसे कि आपके प्लेस का रेंट, उसके बाद वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद आपके स्टाफ की सैलरी, उसके बाद आपके प्रिंटिंग स्टेशनरी के एक्सपेंसेस, और उसके बाद आपके डेली रनिंग एक्सपेंसेस जिसमें आपके चाय पानी कॉफी के खर्चे आ जाते हैं। तो ये टोटल अगर आप मान लें कि आप फॉर एग्जांपल आपने इन सबका टोटल किया और आपका खर्चा निकल के आया 50,000 का कि मुझे मंथली इतने पैसे चाहिए, तो ये एक अमाउंट रहेगा जो कि आपको अपने मार्जिन में कैलकुलेट करके चलना है कि 50,000 से मेरे खर्चे निकलते हैं और उसके बाद मैं कमाना शुरू करता हूँ। इसमें जैसे मैं आपने बताया, कुछ आपका फिक्स एक्सपेंस होंगे, कुछ आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस भी होंगे, तो वो भी सारे कंसिडर होने चाहिए। तो अगर हम मान के चलते हैं कि 50,000 का एक अमाउंट निकल के आया जो आपका हर मंथ होता ही है, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए कि 50,000 कमाने के लिए आपको कितने की सेल करनी जरूरी है। अगर हम मान के चलते हैं आपका मार्जिन 35% है, तो आपको 1.5 लाख के लगभग की सेल करनी है ताकि आप वो 50,000 कमा पाएंगे। अब उसके बाद उसकी स्ट्रेटेजी आएंगी कि आपको आगे की सेलिंग प्राइस को कैसे डिसाइड करना है। दो स्ट्रेटजीज हैं जिसके जरिए आप अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, एक है कॉस्ट प्लस स्ट्रेटजी और एक है डिस्काउंटिंग स्ट्रेटजी। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसपे एमआरपीज लगे हुए रहते हैं और आपकी मार्केट जहां पर आपका स्टोर है वहां के आसपास के सारे ब्रांड्स हैं जो कि हमेशा डिस्काउंटिंग स्टोर्स की तरह ही डिस्प्ले में रहते हैं और डिस्काउंट्स रेगुलरली रन करते हैं, तो वहां पर आपको डिस्काउंटिंग स्ट्रेटजी ही यूज करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास एक एमआरपी है प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज का एमआरपी है, वो आपको कुछ मार्कडाउन पे ही मिला होता है। 1000 रुपीज का प्रोडक्ट है तो आपको 300, 350, 400 का कॉस्ट कर रहा है, तो आप उस पे 30%, 40%, 50% डिस्काउंट करके अपने कस्टमर को सेल कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि मुझे मार्जिन चाहिए था 35%, वो मैंने कॉस्ट में जोड़ लिया, उसके बाद जो बचा वो मैंने कस्टमर को पास कर दिया एज अ डिस्काउंट। एंड सेकेंड इज कॉस्ट प्लस स्ट्रेटजी, जहां पर आपका जो स्टोर है वो ऐसी जगह पर है जहां पर एमआरपीज की जरूरत नहीं है, वहां पर फ्लैट प्राइस पे ही बेचते हैं आपके आसपास के लोग भी, और आपके प्रोडक्ट पे भी एमआरपी नहीं रहता है। वहां पर आप क्लियर लगाएंगे कि आपने कोई चीज 500 की खरीदी, प्लस 35% प्लस उसका जीएसटी, और आपका कॉस्ट निकल के आपके सामने आ गया और आपने फ्लैट प्राइस पे कस्टमर को बेच दिया। सो अब ये सारे खर्चे कैलकुलेट करने के बाद अब आ गए आप अपने मंथ के एंड में, और आपने देखा कि आपकी 5 लाख रुपए की सेल हो गई है और आप बहुत खुश हो गए कि अब ये 5 लाख मैं घर लेके जा सकता हूँ। पर ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जब आपने 5 लाख की सेल करी है तो उसमें आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट और आपके खर्चे भी इंक्लूडेड हैं जो आपको वापस मिले हैं विद योर मार्जिन। आप उसमें से जो कमा रहे हैं वो आपका परसेंटेज ऑफ मार्जिन है जो आपने स्टार्टिंग में जोड़ा था, जो कि 30-35%, 40% जो भी आपने कैलकुलेट किया। अगर 5 लाख में 35% का मार्जिन था तो आपने कमाया है 1.5 लाख रुपए, उस 1.5 लाख में से 50,000 के आपके खर्चे हैं, तो एक्चुअली में जो आप अपने घर ले जा सकते हैं वो 1 लाख रुपए है, ना कि 5 लाख। बाकी का जो आपके पास अमाउंट बचता है 3.5 लाख का, उसको आपको अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है जिससे आपकी वो साइकिल चलती रहे और आपका मार्जिन डे बाय डे बढ़ता रहे। बिजनेस से अगर आपने उस पैसे को बाहर कर लिया तो आपका बिजनेस धीरे धीरे खराब हो जाएगा और आपके बिजनेस में कैश फ्लोस के इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको तो ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत बढ़िया चल रहा था, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, क्योंकि मैं लॉस तो कर नहीं रहा हूँ और मेरा प्रोडक्ट भी बढ़िया बिक रहा है, तो आप कंफ्यूज स्टेट में ही रह जाएंगे। तो मैं इस वीडियो को समराइज करता हूँ, और मंथ एंड पे जब हम पहुंचेंगे तो आपने जो स्टॉक शुरू में हमने आपको बताया था 5 लाख का स्टॉक था, आपने उसको मंथ एंड पे फिर से चेक करना है उसकी इन्वेंटरी को कि अब मैंने इतने की सेल कर दी तो मेरा स्टॉक कितने का बचा, मेरी क्वांटिटी कितने की बची, मैंने प्रॉफिट कितने का कमाया और नेट मैंने अपने घर ले जाने के लिए कितना अमाउंट निकाला,
ये प्रैक्टिस आपको हर मंथ करनी ही चाहिए अपने स्टोर को बेहतर तरीके से चलाने के लिए। अगर आप ये किसी महीने दो महीने भूल जाएंगे तो आपके स्टॉक के श्रिंक होने के चांसेस भी हो जाते हैं कि स्टॉक चोरी हो गया, मिसप्लेस हो गया, कहीं नीचे दब गया, वो सारे फैक्टर्स धीरे 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 पता चलते हैं अगर पाइल्ड अप हो जाते हैं तो। आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो को आप रिमाइंड कर करके बार बार सुने, क्योंकि जो हम आपको बता रहे हैं वो आपकी जैसे गीता का सार होता है ना, वैसे बिजनेस का सार है, क्योंकि यही है जिसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। आप जो पैसा घर लेके जाते हैं उसी के लिए आपने ये शोरूम खोला है। तो प्लीज इस वीडियो के पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा और इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा, और हमें बताइए कि किस और टॉपिक पे आप वीडियो देखना पसंद करेंगे। थैंक यू।